अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास व्हाट इज आईडी, यानी कि ये जो हमारे पास आईडी है ये क्या है। स्टूडेंट्स, आईडी जो है ये हमारे पास बेसिकली एक एनवायरनमेंट का नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आईडी। आईडी स्टैंड फॉर क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, एक हमारे पास ऐसा माहौल है जो क्या है कि जो यूजर या क्या है कि प्रोग्रामर को एक मुकम्मल तौर पर एक कंप्लीटली एक फुल क्या है एनवायरनमेंट फ्रॉम करता है। यहाँ पर यूजर क्या है कि आपने प्रोग्राम को राइट कर ले, आपने प्रोग्राम को क्या है रन कर ले, आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, आपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सके, ऐसे हम लोग एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। आईडी स्टैंड फॉर क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हमारे पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो क्या है कि जो यूजर को या क्या है कि प्रोग्रामर को फुल क्या है फैसिलिटेट करता है, फुल क्या है कि उसको अलावा देता है, एक्सेसिबिलिटी देता है कि वो अपने प्रोग्राम को रन करे, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करे, अपने प्रोग्राम को क्या है कि लिखे। इस एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। ये जो आईडी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली एक जीयूआई इंटरफेस होता है। जीयूआई स्टैंड फॉर क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि इसके ऊपर क्या होता है कि हमें कुछ बटन दिए हुए होते हैं, हमें एक ऐसी विंडो फ्रॉम की जाती है। यहाँ पर जो यूजर है, यूजर क्या कर सके, यूजर जो है वो आपने क्या है या क्या है जो प्रोग्रामर है वो आपने इनपुट दे और इसके चेंजिंग्स में क्या है कि वो आउटपुट को हासिल करे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। आईडी जो है ये क्या है कि ये हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करती है, क्या है कुछ टूल प्रोवाइड करती है ताकि क्या कि हम जो आपने प्रोग्राम को लिख सके, आपने जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, आपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सके कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको यहां पर रीडिंग करके दिखाया जाए तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। आ सॉफ्टवेयर डेट प्रोवाइड आ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, यानी कि ये क्या है कि हमें एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फ्रॉम करता है। टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इज नॉन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये बातें आपको पढ़ा दी है। एन आई डी एज रखती ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ये क्या है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मीनिंग मतलब है डेट कि यूजर कैन इंटरेक्ट, यूजर क्या है राबता कर सके, यूजर क्या है कम्युनिकेट कर सके विद इट यूजिंग विंडो एंड बटन टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। यानी कि क्या है कि जब यूजर या प्रोग्रामर ने अपनी इनपुट देनी है तो इसके बदले में क्या है कि वो अपनी आउटपुट को रिसीव कर सके, ठीक है। एन आई डी कंसिस्ट ऑफ टूल डेट हेल्प अ प्रोग्रामर टू आउट द फेज ऑफ राइटिंग एग्जीक्यूटिंग एंड टेस्टिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड आईडी। यानी कि आईडी हमारे पास क्या है कि ये एक जीयूआई इंटरफेस है जो क्या है कि जो हमें एक टूल फ्रॉम करता है। उस टूल में क्या होता है, उस टूल में ये होता है कि जो हमने आईडी के ऊपर प्रोग्राम लिखा था उस प्रोग्राम को हम टेस्ट कर सकें, उस प्रोग्राम को हम लिख सकें, उस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकें। तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो मैंने सर्कल में किए हैं, ये जो हमारे पास फोर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आईडी है, यानी कि ये हमारे पास टूल है। इन टूल की मदद से क्या है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, इन टूल की मदद से क्या है हम प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं, इन टूल की मदद से क्या है हम अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं कि इनमें एरर है नहीं है। पहले हमारे पास क्या है, विजुअल बेस, विजुअल स्टूडियो या क्या है विजुअल बेसिक। बेसिकली ये हमारे पास विजुअल बेसिक या क्या होता है विजुअल स्टूडियो है। ये हमारे पास एक आईडी है, एक टूल का नाम है। एक्सकोड भी हमारे पास एक टूल का नाम है या क्या है एक आईडी का नाम है। कोड ब्लॉक, डेव, C++, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है,
ये सारे के सारे बेसिकली हमारे पास आईडी है, बेसिकली हमारे पास कंपाइलर है, हमारे पास टूल है। यहां पर क्या कि हमने आगे जाकर अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, यानी कि ये हमारे पास प्रोग्राम को लिखने के टूल है, आईडी है। इनके ऊपर क्या कि हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, इनमें से हम दो या तीन को यूज करेंगे या कि हम एक को यूज। हमारे पास क्या आ रहा है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास आ रहा है व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर है ये क्या होता है। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर क्या है कि हम अपने कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग लिखते हैं। ऐसे एडिटर को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। यानी कि टेक्स्ट एडिटर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या होता है कि हमारे प्रोग्रामर को असेसिबिलिटीज देता है कि आप लोग यहां पर आकर अपने जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है इसको आप लोग लिखें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। आर टेक्स एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है डेट के अलावा जो क्या इजाजत देता है प्रोग्रामर को। प्रोग्रामर क्या होता है, आ पर्सन जो क्या है कि प्रोग्राम को राइट करता है, जो प्रोग्राम को लिखता है उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। आ पर्सन डिवेलप आ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर, यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा शख्स जो क्या होता है कि प्रोग्राम लिख रहा होता है उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। डेट अलाउ इजाजत देता है प्रोग्रामर को टू राइट, लिखे और या एडिट करे कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड है, क्या कहलाता है, टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। यानी कि उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को आपने यहीं तक ही करना। अगर स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें, यहां पर ये जो मैंने अभी सर्कल किया है ये हमारे पास सारा का सारा क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। यहां पर क्या है कि आप लोग अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर। यानी कि ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। यहां पर क्या है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। यानी कि टेक्स्ट एडिटर, ये डेफिनेशन में उसने क्या कहा है कि ये हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है। यहां पर जो प्रोग्रामर है वो अपने प्रोग्राम को राइट करता है, अपने प्रोग्राम को लिखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। जो हमारे पास हर जो आईडी होती है वो क्या है कि वो एक अपना टेक्स्ट एडिटर रखती है। टेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, कंपाइलर डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है या क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जो क्या होता है हमारी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जो ये हमारे पास कंपाइलर है, कंपाइलर भी हमारे पास क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो क्या है कि जो हमारे प्रोग्राम को क्या है, कंपाइल करता है, यानी कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट करता है। किस में, बैरनी में। हमारे पास स्टूडेंट्स बैरनी फाइल क्या होती है, जो हमारे पास 0-1 की फॉर्मेट के अंदर लिखी जाए। यानी कि आपको पता है कि जो हमारी मशीन है, जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि बैरनी फॉर्म के अंदर काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास बैरनी है, बैरनी का मतलब क्या होता है, 0 और 1, 0 और 1 से मुराद क्या कि जिसको जो हमारा सिस्टम है वो डायरेक्टली तौर पर अंडरस्टूड कर लेता है, जो क्या है डायरेक्टली समझ सकता है। यानी कि जिस भी कंपाइलर के अंदर, जिस भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपने अपना प्रोग्राम लिखा है उसको क्या है कि ये जो हमारा कंपाइलर है इसने क्या करना है, इसने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बैरनी फॉर्मेट के अंदर, बैरनी लैंग्वेज के अंदर। तो बैरनी लैंग्वेज के अंदर जब हमारा प्रोग्राम आ जाएगा तो वो आगे क्या है, कंपाइल करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। तो अगर आप लोग कंपाइलर के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप कंपाइलर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो एक आई कार्ड दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्या है कि मैंने एक लिंक डाला हुआ क्लास का, तो वहां पर जाकर कंपाइलर के बारे में कंप्लीटली तौर पर मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं। कंपाइलर क्या है, कैसे काम करता है, वो मैंने मुकम्मल क्लास बनाई हुई है। अभी तक यहां पर सिर्फ आपको यही बताना था कि जो हमारे पास कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है, जो क्या होता है हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके उसको मशीन लैंग्वेज, यानी कि उसको क्या है, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो चलने के लिए, वो रन करने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। अगर आप इसकी डायग्राम को यहां पर देखें, पहले ये क्या लिखा हुआ है,
कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल, यानी कि इसके अंदर क्या है कि जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा है वो क्या है कि वो हमारे पास प्रोग्राम फाइल बन गया। उसके बाद ये आगे हमारे पास क्या है, कंपाइलर है। कंपाइलर ने क्या है कि इस हमारे प्रोग्राम को क्या करना है, ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी फाइल के अंदर, या क्या कि बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो जब ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा तो आगे ये क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में मुकम्मल तौर पर रेडी, यानी कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी जिसको क्या कि आप लोग किसी भी वक्त चला सकते हैं। तो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माय उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।